नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल गायत्री डीजे साउंड पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए बताएंगे जो JBL बॉक्स होते हैं उनके पीछे जो बैक प्लेट लगती है डीजे बॉक्सों के पीछे, उसी के बारे में बात करेंगे और उसे बना के भी दिखाएंगे, उसके वायरिंग के बारे में बताएंगे और क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ती है उसमें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पर डीजे से संबंधित जानकारी आती रहती हैं। चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें सामान की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए। ये हमारा इसका एक प्लेट है, JBL मॉडल का ये प्लेट है, XRS का सीरीज़ का, JBL XRS सीरीज है ये। कुछ इस तरह से हमारा प्लेट है ये प्लेट है जो डीजे बॉक्स के पीछे लगाते हैं, कसते हैं। और दूसरा इसका ये सॉकेट है, इसे स्पीकर सॉकेट भी कह देते हैं, इसे अपनी अपनी भाषा में बहुत कुछ कहते हैं। चलिए मैं इसे दिखाता हूँ, मगर हमारे भाषा में इसे स्पीकर सॉकेट कहते हैं। ये हमारे इसमें दो की ज़रूरत पड़ेगी, एक ये रहा मेरा और दूसरा ये वाला ये रहा। और कुछ इसके लिए पेचों की ज़रूरत है। चलिए सबसे मैं पहले इन्हें कस लेता हूँ फटाफट से। दोस्तों, हमने कुछ इस तरह से ये कस के कंप्लीट कर लिया है। ये स्पीकर सॉकेट इसके हमने इसमें प्लेट में कस लिए हैं कुछ इस तरह से। अब बात करते हैं हम इसकी वायरिंग की। चलिए इसकी वायरिंग करते हैं। सबसे पहले हम आपके लिए दिखाते हैं हमें वायरिंग कहाँ करनी है। ये माइनस वन है, ये प्लस वन है और ये प्लस टू है, ये माइनस टू है। आमने सामने वाला होता है इसका ये। तो हमें सबसे पहले माइनस वन पे माइनस रखना है, काला वाला तार रखना है, मतलब नेगेटिव। और प्लस पे हमें प्लस वाला रखना, पॉजिटिव वाला। चलिए मैं इसकी पेस्टिंग करता हूँ। ये हमारे जैसे तार हैं, वायर हैं। चलिए कुछ इस तरह से हमने ये इस पर प्लस वन पे ये लाल वाला तार पेस्टिंग कर लिया है कुछ इस तरह से। इसी सोल्डिंग अच्छी तरह से करनी है जैसे मैंने की है। अब ये ब्लैक तार है से हम माइनस वन पे पेस्टिंग करेंगे। चलिए मैं कर लेता हूँ। ये हमने काला वाला वायर इस पर कनेक्ट कर दिया माइनस वन पे। ये हमारा आपके लिए दिख रहा होगा शायद, यहाँ पे देखना माइनस वन है, ये माइनस वन है और ये हमारा प्लस वन है। हम यहाँ पे इसकी सोल्डिंग कर चुके हैं। इसी तरह हमें इस पर भी पेस्टिंग करनी है इसकी। चलिए करते हैं दोनों पे। तो चलिए मैं इसकी भी वायरिंग कर लेता हूँ यहाँ से। कुछ इस तरह से मैंने इसकी वायरिंग कर ली है, प्लस वन पे यहाँ पे मैं इसकी वायरिंग कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, देखना ये आप देख रहे हैं। अब हमें वायरिंग करनी है यहाँ की, इस वाले की, माइनस वाले की, माइनस वन की, माइनस वन के लिए यहाँ से यहाँ तक। चलिए मैं इसकी भी वायरिंग कर लेता हूँ। दोस्तों, कुछ इस तरह से हमने ये माइनस वाला भी कनेक्शन कर लिया है। अब हम इसकी वायरिंग पूरी हो चुकी है कुछ इस तरह से। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, हमें वायरिंग ये सोल्डिंग जो की है हमने अच्छे से करनी है, अच्छे तरीके से, ताकि ये छूटे ना, गर्म पड़ने पर नहीं टूटे। और इसमें वायर हमें कॉपर का ही यूज करना है, प्योर कॉपर का। तो जिस तरह से हमारी ये प्लेट कंप्लीट हो चुकी है आप देख सकते हैं। अब हम इसको डीजे बॉक्स में कसने के लिए रेडी है ये। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।